तुम्हारे पापा आते हैं और कहते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, और तुम वो काम कर देते हो। ऑफिस में तुम्हारा बॉस आता है और ये कहता है कि ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और तुम वो काम 2 दिन के अंदर कर देते हो। लेकिन जब तुम अपने आप से कोई काम कहते हो कि ओके इस फ्राइडे को मैं एक यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, या फिर कल से मैं जिम जाऊँगा, वो कल आता है और चला भी जाता है, पर तुम वो काम नहीं करते हो। ऐसा क्यों? मे बी तुम अपने पापा और अपने बॉस का काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो या उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, तुम अपने आप की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है तो तुम वो काम क्यों नहीं करते हो, बट तुम वही काम दूसरों के लिए कर लेते हो? जब तुम खुद को ही सीरियस नहीं ले रहे हो तो ये तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे लोग तुम्हें सीरियस लेंगे? तुम्हारे जैसा ना मैं खुद था कुछ महीनों पहले। मैं सोचता था कि ओके अनुज, कैसे भी करके इस सैटरडे मैं अपनी एक वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। सैटरडे आता है, चला जाता है, पर अनुज वीडियो नहीं बना पाता है। मे बी अनुज में बहुत सारा आलस भरा हुआ है, और इसी काम को कल पे टालने की आदत तुम्हारी भी है, बट सिर्फ इस एक माइंडसेट ने मेरे इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ख़त्म ही कर दी। और वो क्या थी? देखो सही बताऊँ तो गलती तुम्हारी भी नहीं है। जब हम कोई भी एक काम बार बार करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उसको करते करते, या बहुत ज़्यादा हम लेज़ी महसूस करने लगते हैं। बट तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, तुम्हें हमेशा वो काम करते समय याद रखना है कि तुमने वो काम क्यों स्टार्ट किया, तुम क्या उससे अचीव करना चाह रहे हो। तुम्हें अपने उस गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सी, तुम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत तुम्हें मिल जाएगी, तुम कुछ दिन के लिए उस मोटिवेशन को लोगे, उस चीज़ को करोगे काम को, फिर वो सारी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और फिर से तुम उस काम को करना बंद कर दोगे। बट जब वो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, जब तुम्हें याद रहता है कि तुमने ये चीज़ क्यों स्टार्ट की थी और तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, तुम उस चीज़ को कंसिस्टेंट होके करोगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज से 5 साल पहले तुमने कुछ ना कुछ करने की जरूर सोची होगी, और तुमने एक गोल सेट किया होगा कि आज से 5 साल बाद मुझे यहाँ पर खड़ा रहना है। क्या तुम वहाँ पर सच पे हो? क्या तुमने वो चीज़ सच में अचीव की है? शायद से नहीं, क्योंकि जो तुमने चीज़ 5 साल पहले करने की सोची थी वो तुमने कंसिस्टेंट के साथ किया ही नहीं। दैट्स वाई तुम यहाँ पर नहीं हो, और आज भी तुम वो चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो। हर एक वीडियो में तुम्हें बार बार बताया है कि हमारी लाइफ लिटरली बहुत छोटी है, लाइक वी आर ओनली 1 ब्लिंक अवे, और हम लोग 10 साल कैसे कवर कर लेते हैं हमें नहीं पता। तुम लोग खुद सोच के देखो, कोरोना के बाद हमारी लाइफ कितनी जल्दी पास हुई है। किसी को पता भी नहीं चला कि वो अपने 20s में कब था और 30s में कब आ गया। एंड आई स्वेयर, अगर तुम अपने 20s में हो ना, यू आर जस्ट 1 ब्लिंक अवे। तुमने एक ब्लिंक किया और तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमने 30s में कब आ गए हो। और जब तुम अपने आप को वहाँ पाओगे ना, यू विल लाइक यार मैंने तो कुछ लाइफ में उखाड़ा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मेरी एज ऐसे कैसी बीत गई। और ये जो फीलिंग होगी ना रिग्रेट की, ये बहुत गंदी होगी। सो आई जस्ट वॉन्ट कि तुम जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, मे बी तुम डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, मे बी तुम एक बॉडी बिल्डर बनने की तैयारी कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, बस उस चीज़ को कंसिस्टेंट के साथ करना। एंड दिस इज द ओनली रूल टू बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो कोई ना कोई इस दुनिया में वो काम कर रहा होगा। तो ये सब तुम पर निर्भर करता है। इस वीडियो के बाद तुम्हें वो काम कंसिस्टेंट होके करना है, या फिर बस 2-3 दिन मोटिवेट रहकर उसको छोड़ देना है। और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा, लाइफ इज़ टू स्मॉल ब्रो, जस्ट मेक इट एंड शो देम हु यू आर। मैं हूँ अनुज, और मैं मिलता हूँ तुमको अपने नेक्स्ट वीडियो में।